फंदे से लटकता मिला 12 वर्षीय बच्चे का शव, मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे बगानी 24। एक बच्चे की फांसी पर लटकने की बड़ी खबर आ रही है। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धनार थाना क्षेत्र के तमकुआवा कटार पंचायत के खलवा टोला वार्ड संख्या 13 में एक 12 वर्षीय लड़के का शव फंदे से लटकता हुआ धनार पुलिस ने किया बरामद। फंदे पर लटकते शव मिलने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने धनार थाना पुलिस को दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृत लड़का के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं धनार थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। मृत बालक की पहचान घोगा गद्दी का 12 वर्षीय पुत्र सफी आलम के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत किशोर के चाचा से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बच्चा अपने दादी के पास तमकुहवा गया हुआ था। उसी बीच दादी की तबीयत बिगड़ी हुई थी। उसे उपचार के लिए परिजनों ने उसे नैनाहा दूसरे आवास पर लाया कि दादी के इलाज कराने के बाद दादी ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। इस बीच बच्चा घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा है, उसी विवाद को लेकर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। वहीं स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। बगहा न्यूज 24 से क्षितिज राज की रिपोर्ट। मामला भतीजा हमारा प्रूफ सरपंच मशरफ गद्दी है। नैना घर तमकुओ घर बा तमकुआ लड़का घर पारा करे खातिर 5-6 दिन खातिर बुढ़िया दादी रहिए वही जा तबियत खराब हो गई तो उनके दवा करावे खातिर लेके चलिए नैना उ लड़का रह लगे वो झुकी है आ बात से लड़का हमने के तो शक बा कि मर्डर कल गई बाटे कोई के जरिए भैल। अच्छा, पहले से किसी के से विवाह चल रहा था? पड़ोसी पड़ोसी से तरबे कैल हुए। पड़ोसी से विवाह चल रहा था, क्या चीज़ का? वे घड़ारी के जमीन के जमीन विवाद चल रहा, जमीन विवाद रह लगे। क्या नाम रहा बच्चा का? बच्चा का नाम इशराफ, सफी आलम। सफी आलम। पिताजी का नाम? गोगा गद्दी। घर? नैनाहा, प्रॉपर नैनाहा तमकुनवा। आप उसका कौन है मृत लड़का को? चाचा है उनका। आपका क्या नाम रहा? मुशर्रफ गद्दी। थाना कौन सा पड़ेगा? नदी थाना नैनाहा, धाना भी पड़ता है तमकुनवा खलवा पट्टी। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या कितना है? 13 है। 13 है ना? 13 है तमकुआ का खलवा पट्टी।